वर्षों पहले परतंत्र हुआ, 15 अगस्त सन 1947 को अपना देश स्वतंत्र हुआ। उन वीरों को हम नमन करें जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, निज प्राणों की परवाह न कर भारत को नई रवानी दी। उन माताओं को याद करें जिन्होंने अपने प्रिय लाल दिए, मस्तक माँ का ऊंचा करने उन्होंने बड़े कमाल किए। देश आजाद कराने को जब पहना केसरिया बाना, तिलक लगा बहने बोली भैया विजयी होकर आना। माताएं बोल रही बेटा बन सी कूदना तुम कण में, साहस व शौर्य पराक्रम से मार भगाना क्षण भर में। दुश्मन को धूल छटा करके वीरों ने ध्वज फहराया था, जामबाजी से पा विजय श्री, भारत आजाद कराया था, भारत आजाद कराया था। तो पुनः परम आदरणीय राज्यपाल महोदया जी को, माननीय सचिव उच्च शिक्षा को कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के लिए मैं कोटिश धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हृदय से उन सबका साधुवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदया, आपके सागर्भित स्वागत भाषण के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसका मूल्यांकन माननीय कुलपति मैडम ने, जो 4 विशेषज्ञ चुने थे, उनके द्वारा किया गया, और वो जो चयनित उनमें से जो श्रेष्ठ रहे वे आज अपनी प्रस्तुतिकरण देंगे बहुत ही संक्षिप्त में। लेकिन उससे पूर्व जो कार्यक्रम की हमारी आज की रूपरेखा है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका है, उसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी के प्राचार्य डॉक्टर रक्षा सिंह यहाँ मौजूद हैं। मैडम आज की जो विषय वस्तु है उस पर प्रकाश डालेंगी, और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का ये एक प्रतिष्ठित निजी महाविद्यालय है और हाल ही में नैक मूल्यांकन में इसको ए ग्रेड प्राप्त हुआ है, जो हमारे सचिव उच्च शिक्षा की जो मंशा है और जो मिशन मोड पर नैक मूल्यांकन का कार्य सर कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि 3.10 अंकों के साथ शंकराचार्य महाविद्यालय को ए ग्रेड प्राप्त हुआ है, और अभी अगस्त माह में 2 और महाविद्यालयों में नैक की टीम। वंदे मातरम, जय जोहार। आज की गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संवैधानिक प्रमुख, कुलाधिपति, कर्तव्यनिष्ठ, सौम्य व्यक्तित्व के स्वामी, हमारी छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल माननीय महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके जी, सचिव उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, जुझारू व्यक्तित्व के विश्वविद्यालय के मृदुभाषी, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता रखने वाली कुशल मार्गदर्शिका कुलपति महोदया, सम्माननीय अरुणा पलटा जी, हेमचंद विश्वविद्यालय के कुल सचिव शांत व अल्पभाषी, आदरणीय डॉक्टर सी एल देवांगन जी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण हसमुख एवं मिलनसार व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी, महाविद्यालय के प्रबुद्ध प्राचार्य गण, कार्यक्रम से जुड़े प्रतिभागीगण, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत मेरे सभी युवा साथी। सर ये स्लाइड आगे बढ़ती दिख रही है क्या आपको? आगे नहीं, चेंज नहीं हो रही मैडम। मैं अपने वक्तव्य का प्रारंभ कवि जगदीश सोलंकी जी की चंद पंक्तियों से करना चाहती हूँ। यह पंक्तियां स्वतंत्रता आंदोलन में वीरांगनाओं की भूमिका को बखूबी व्यक्त करती हैं। हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ, हमको शाही सलाखें झुका ना सकी। हमने शोलों पर सैया सजाई सदा, हमको वक्त की ज्वाला जला ना सकी। हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए, हमको अर्थी की भाषा रुला ना सकी। अपना दीपक लहू से जला है सदा, जिसको आंधी भी चाह कर बुझा ना सकी। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 74 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अब हम 75 वर्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारी गौरवशाली आत्मनिर्भर व विकासशील यात्रा के लिए
आप सभी को मैं इस ई पटल से शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए उनके शहादत को नमन करती हूँ। पृष्ठभूमि में महिलाओं की स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका मैं अपने हिसाब से अगर लूं तो शायद मुझे प्राचीन काल का भी कुछ दृश्य आप सभी के बीच रखना चाहिए। मानव सभ्यता के आरंभिक दौर में महिलाओं की शक्ति को पहचाना और पूजा जाता था। महिला जगत जननी जाती थी, पर आधीनता की बेड़ियां उसे प्राचीन काल से जकड़ी हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों के पराधीनता के पहले वह पितृ सत्ता के बेड़ियों का दंश सह रही थी। सामाजिक बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद जहां उसकी आवाज की कोई सुनवाई नहीं थी, उन महिलाओं को नमन जो बुलंद आवाज बनकर आज भी इतिहास के पन्नों में अंकित हैं। मैं श्रोतागण का ध्यान प्राचीन काल की महाभारत की घटना चीरहरण पे ले जाना चाहूंगी, जहां द्रौपदी ने विषम परिस्थितियों में भी आवाज उठाई। उस तात्कालिक समाज परिवेश में वह आसान नहीं था। और आज जब भारत आजाद भी हुआ है तो मुझे 12वीं सदी की एक कवित्री की लिखी हुई एक कविता याद आती है, एक औरत आजाद हुई पर कितनी आजाद हूं मैं। मध्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो 12वीं सदी की कवित्री महादेवी अक्का ने सामाजिक कुरूतियों पर उस समय बुलंदी से आवाज उठाई। कई और नाम है, मीराबाई, सहजोबाई, जाजोबाई, और मैं अगर उनके योगदान की बात करूं तो 17वीं शताब्दी की साची होनम्मा जी के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में उन्हें स्मरण करते हुए कहा कि इस सदी में जो आज भारत की लक्ष्मी की नींव रखी वह होनम्मा जी ने रखी थी। उनकी एक कविता का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि उस जमाने में कुछ पहचान लोगों की उनकी अपनी बेटियों से थी, जिसमें उन्होंने जिक्र बताया पर्वतराज की बेटी पार्वती, जनक की बेटी सीता और ऋषि भृगुराज की बेटी लक्ष्मी। ऐसी कई विभूतियों के नाम आते हैं जिनके अनुभव से पैदा हुए हैं ये सारे संग्राम। मध्यकाल के बाद अगर हम देखें, तो महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी अबक्का चौटा का नाम आता है। सर ये स्लाइड बढ़ते हुए दिख रही है क्या? मध्यकाल रानी अबक्का चौटा, जी रानी अबक्का चौटा का नाम आता है, जो वीरता से 4 दशक तक पुर्तगालियों से लड़ती रही। उनके शौर्य व साहस को देखते हुए उन्हें अभय रानी के नाम से जाना जाता था। 16वीं शताब्दी में चांद बीबी व गोंडावना क्षेत्र की रानी दुर्गावती के असाधारण पराक्रम की गाथा भी हम सबके जेहन में है। सन 1757 से और 1857 के मध्य की अगर मैं बात करूं तो इतिहास विरोधों विद्रोह से भरा पड़ा था। वह मिदनापुर के जंगल महल की बात हो, सन्यासी विद्रोह में देवी चौधरानी व महारानी तपस्विनी की बात हो, या संताल विद्रोह की बात हो, महिलाओं की वीरता का वर्णन हर जगह मिलता है, जहां ज्यादातर विद्रोह गोरिल्ला पद्धति से किया जाता था। यहां मैं जिक्र मराठों की मशहूर रानी ताराबाई और विदर्भ में राजमाता जीजाबाई की भी करूंगी, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा वीरता पूर्वक की थी। अब मैं बात करूंगी नवजागरण काल, जिसमें सावित्री बाई फुले, पंडिता रमाबाई तो सोराबजी, स्वर्ण कुमारी देवी, रमाबाई रानाडे, उनके हित में कई कार्य उन्होंने किए महिलाओं के हित में, जिसमें महिला शिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध, स्वतंत्रता चेतना, विधवा विवाह आदि प्रमुख थे। इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए नवजागरण काल में राजा राममोहन राय से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर तक माना जाता है, और इन सभी की भूमिका बहुत ही प्रमुखता से रही। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में जब अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता मिली और उन महिलाओं की, लेकिन मैं अभी भी यही कहना चाहूंगी कि अगर पृष्ठभूमि कि महिलाओं का योगदान न रहता तो शायद वह शक्ति, वह आंदोलन की प्रवृत्ति हमारे मन में नहीं पाती। मैं सबसे सर्वप्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बारे में बताना चाहूंगी, जो 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी
ने मुक्ति आंदोलन के वह सूत्रधार रही। महिला की भूमिका सदियों से अर्जुन की सारथी की भांति रही, युद्ध के लिए संबल देना और वक्त पड़ने पर खुद हथियार उठा लेना। इसमें सर्वप्रथम मध्य प्रदेश यानी अब हम कहेंगे कि छत्तीसगढ़ की वीरांगना रानी अवंती बाई ही है जो कि सूत्रधार रही। रामगढ़ की रानी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किया जो भारत की आजादी में आज बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसी को आगे अगर हम देखते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी में तो नाम रानी चेन्नम्मा और रानी लक्ष्मीबाई का आता है जिन्होंने राज हड़प नीति के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया था। आज भी हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ओजपूर्ण पंक्तियों से हमें एक नया जोश आता है जब हम सुनते हैं वो वाणी, बुंदेले हर बोलों की सबने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। असंख्य अनामिकाएं जिनका वर्णन इतिहास के पन्नों में धूमिल है, कुछ जिनका विदित है लेकिन उनका संघर्ष धुंधला है। वह राज जनता या धर्म युद्ध के लिए युद्ध स्थल में तो कूदी परंतु ढाल व कवच पुरुष का ही रखना पड़ा। आज उस दर्द को समझना बेहद कठिन है कि कार्य पुत्र या पति के नाम का ही होता था, इसके बावजूद वह योद्धा निर्भीक और अटल रहती युद्ध स्थल पर। सबसे बड़ी क्रांति हम सभी को मालूम है, मंगल पांडे, जिनका 1857 में, क्योंकि उन्होंने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था और सबसे बड़ा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह इसी समय हुआ था। और नवंबर 1858 में, मैं इसका भी जिक्र जरूर आप सबके बीच करना चाहूंगी कि एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें चर्बी वाले कारतूस और हड्डी के चून वाले आटे की बात बड़ी सावधानी पूर्वक फैलाई गई थी। रिपोर्ट में एक साधु की संदिग्ध भूमिका पे इशारा किया था जो सेनानी आचार्य दीपांकर के अनुसार वह दयानंद सरस्वती जी थे। जैसा आज वाइस चांसलर मैडम ने जिक्र भी किया कि बहुत पुरुषों का भी उसमें हाथ है, तो ऐसे कई और नाम हैं जिनका शायद जिक्र इस प्रेजेंटेशन में नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं उन सबको नमन करती हूँ क्योंकि उन सबके बिना कभी भी स्वतंत्रता का यह स्वाद हम कभी नहीं चख पाते। 20वीं सदी की अगर बात करूं तो काला पानी की सजा शांति घोष और सुनिधि चौधरी को हुई थी। यह सजा शायद महिलाओं में, सिर्फ इन्हीं दोनों महिलाओं को काला पानी की सजा हुई जो हम सबको पता है कि कितनी दर्दनाक होती थी। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे बहुमूल्य मोती हैं जिन सबका जिक्र शायद आज समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं ना कर पाऊं, लेकिन कुछ ऐसे नाम जो मुझे लगे शायद हम सबको उनके बारे में बहुत नहीं पता है उन्हीं को मैंने रखा है। उसमें मैं दुर्गावती बोहरा जी का नाम लेना चाहूंगी जो कि दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती थी और क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाना इनका काम था। वे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त आदि के साथ काम करती थी। एक घटना का जिक्र जो शायद हम सबको उतना नहीं मालूम है, जब भगत सिंह और सुखदेव ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन साडस को गोली मारकर आए थे तो दुर्गा देवी ने भगत सिंह का रूप बदलवाया और खुद को उनकी पत्नी बताकर कलकत्ता लेकर गई। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा देने वाले गवर्नर हेली से बदला लेने के लिए दुर्गा देवी ने गवर्नर पर 9 अक्टूबर 1930 को गोली चलाई और चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए जब खुद पर गोली मारी थी तो वह पिस्तौल भी दुर्गा भाभी ने ही लाकर दिया था। तो मैं नमन करती हूँ इस देवी का नाम जिनका शायद हम सब लेने में हर बार चूक जाते हैं। ऐसी कई और मोतियां इस समुद्र अतः समुद्र में हैं जिनका नाम आज तक कभी इतिहास के पन्नों से ऊपर उठकर नहीं आ पाया है। मैं दूसरी महिला का नाम जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही सुचेता कृपलानी जी का लेना चाहूंगी। 1941 एंड 42 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महिला विभाग और विदेश विभाग की यह मंत्री रही। भारत छोड़ो आंदोलन में सुचेता कृपलानी जी ने लड़कियों को ड्रिल और लाठी चलाना सिखाया था। नोखाली के दंगा पीड़ित इलाकों में गांधी जी के साथ चलते हुए पीड़ित महिलाओं की भी मदद की थी। इसी कड़ी में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला बिस्नी देवी शाह जो 19 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गई थी और ये 5-5 रुपए में चरखा खरीदती उसे घर घर जाके महिलाओं को उन्होंने बांटना शुरू किया और यह आर्थिक स्रोत जुटाती थी ताकि इस आंदोलन में सबकी सक्रिय भागीदारी हो सके और कहीं भी पैसों की कोई कमी ना हो पाए, इनको भी मैं नमन करती हूँ। अल्प आयु की स्वतंत्रता सेनानी जो कि असम की थी कनकलता बरुआ जी का भी नाम लेना चाहूंगी जो 7 साल की आयु में अपने मामा के साथ 1931 रैयत अधिवेशन में गई थी।
एक गुप्त सभा में 20 सितंबर 1942 को तेजपुर कचहरी में तिरंगा फहराने का निर्णय हुआ था। 22 साल की जब कनकलता तिरंगा हाथ में थामे जुलूस का नेतृत्व कर रही थी, अंग्रेजी सेना की चेतावनी के बाद भी वे रुकी नहीं और छाती पर गोली खाकर या शहीद हुई थी। इन महिलाओं को भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वैसे 17वीं शताब्दी में भी इनका जिक्र आया था, जब इन्होंने मस्तानी टोली बनाकर आर्थिक धन इकट्ठा करती थी। ऐसी बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जो अजीजन बेगम, गौहर, जान, ये सब प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि समाज में तो इन्हें बहुत एक्सेप्ट नहीं किया गया था, पर तभी भी वह यह जानते हुए भी, क्योंकि वह चाहती थी कि यह देश स्वतंत्र हो, उन्होंने एक औरतों का दस्ता बनाया और निडरता पूर्वक सशस्त्र जवानों का हौसला अफजाई करती थी। जख्मों पर मरहम पट्टी लगाना, उन्हें हथियार और गोला बारूद मुहैया कराना यह करती थी, और रात के समय वह नर्तकी बनकर पैसा अर्जित करती थी। बात करूं मैं विदेशी वीरांगनाओं की, जिनकी बहुत भूमिका हमारे इस स्वतंत्रता आंदोलन में रही। नाम भिकाजी कामा एनी बेसेंट, मार्गरेट नोबल, जो सिस्टर निवेदा जी हैं। जब ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम के गायन पर रोक लगा दी थी, तभी भी निवेदा जी ने उसे अपने स्कूल में जारी रखा। उन्होंने सदैव हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखा और कहा कि वे दोनों एक ही माँ की संतानें हैं और उन्हें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। इन वीरांगनाएं जो बाहर रहते हुए भी हमें सपोर्ट करती थी, उनको भी आज इस माध्यम से हम सब नमन करते हैं। मैंने यह कोशिश की है कि हर राज्य की महिलाओं का जिक्र आए और हर वर्ग की महिलाओं का जिक्र आए। मुझसे अगर कोई छूट भी गई होंगी तो मैं अभी से ही माफी चाहती हूँ, क्योंकि हर किसी को इस समय सीमा में ला पाना शायद संभव नहीं था, लेकिन उन सभी के बलिदान को कभी कोई नकार नहीं सकता है। झलकारी बाई, जो झांसी के दुर्गा दल और महिला दस्ते की सदस्य थी, जो कि हमशक्ल थी रानी लक्ष्मीबाई की, और जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ रही थी उस समय उस समानता का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अंग्रेजों को चकमा दिया था, तो इन महिलाओं का भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा योगदान हमारे स्वतंत्रता के लिए रहा है। और कई और ऐसी महिलाएं आई इसमें, जिनका नाम उदा देवी, बेगम हजरत महल, और कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका हमेशा हम लोग याद करते हैं। यह दलित बहुजन और आदिवासी महिला सेनानियों में से भी थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की महिलाओं की भूमिका पर मैं जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। रोहिणी बाई परघनिया, जो 12 वर्ष की थी और यह हमेशा सक्रिय रही, दुकान से पिकेटिंग का काम करते हुए यह आर्थिक अर्जन करती थी, और गांधी जी के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया। मिनी माता, जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र की प्रथम महिला सांसद रही, छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक मंडल की मिनी माता अध्यक्ष भी रही, और मजदूर संगठन जो भिलाई में है उसकी संस्थापक अध्यक्षा भी रही। डॉक्टर राधाबाई, जो रायपुर नगर की प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में मानी जाती है, वह दाई का काम करती थी और प्रेम लगन से वह अपना काम करने के कारण जन उपाधि के रूप में राधाबाई डॉक्टर कहलाने लगी। फुलकुमर बाई, मनोहर लाल श्रीवास्तव जी की माती, और उन्होंने ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी न्योछावर करेंगी अपने देश के लिए, और इनका भी कार्य विदेशी वस्त्रों की दुकानों से पिकेटिंग करना था, और वो गर्व से कहती थी, मेरे सारे अपने जेल में बंद है और मुझे इस बात पर बहुत गर्व होता है। केकती बाई बघेल जी का अगर मैं नाम लूं, तो वो विदेशी वस्तुओं की दुकान पर मीटिंग करते हुए गिरफ्तार हुई। शुरू में जेल के अधिकारी उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, बट वो फाटक पर ही बैठी रही और पानी तक नहीं पिया। श्रीमती बेलाबाई जी का अगर हम देखें, तो सत्याग्रह आंदोलन में एक नाम प्रमुख था इनका। सत्याग्रही भाई बहनों के साथ इनका भी कार्य विदेशी वस्तुओं की दुकान में पिकेटिंग करना और सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ था। ये दूसरी महिलाओं के साथ घर घर जाती और खादी बेचती थी। अगर कोई इनकार करता तो उसे समझाती थी कि हमें खादी क्यों पहनना चाहिए और स्वराज क्यों जरूरी है हम सब के लिए। नमन है मेरा अब छत्तीसगढ़ की उन गुमनाम महिला स्वतंत्रता वीरांगनाओं को,
जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसमें कई नाम मैं यहाँ पर अंकित कर रही हूँ जो मैं अपने प्रेजेंटेशन में बोल नहीं पाई। विशेष नमन उन सभी सुनी अनसुनी वीरांगनाओं को भी मेरा इस पोर्टल से, ताकि उन तक शायद हम श्रद्धा सुमन पहुंचा पाए। महासंग्राम में इन बलिदानी नारियों का त्याग व पराक्रम अप्रतिम है। इस महाशक्त नारियों द्वारा विदेशी शक्ति को देश के बाहर खदेड़ने के लिए उनको ललकारना काबिले तारीफ है। उनके पराक्रम और बलिदान को याद करके प्रेरणा लेना उनके लिए वास्तविक श्रद्धांजलि है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। आज भी हमारी आंखें नम हो जाती हैं देश की वीर गाथाएं सुनकर। इतिहास साक्षी है, किसी भी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वह अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है अमृत महोत्सव का यह अवसर अमृत की तरह ही हमारे देश की वर्तमान पीढ़ी व युवाओं को प्राप्त होगा, जो उन्हें प्रतिपल अपने स्वतंत्र भारत, जो कि हमारे वीर शहीदों के शहादत से अमानत के रूप में हमें प्राप्त हुई है, उस स्वतंत्रता को अक्षुण बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर स्वतंत्रता के महानायकों विशेषकर भारत की वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सुनहरा अवसर छत्तीसगढ़ की बागडोर संभालने वाली राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी, धनंजय देवांगन जी एवं हेमचंद के समक्ष हेमचंद विश्वविद्यालय ने मुझे दिया, मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और मैं अपनी वाणी इसी से विराम करती हूँ कि धन्यवाद आप सभी को। उन सभी का बलिदान हम कभी ना भूलें और आगे इस आजादी को हम सही मायनों में अपने हाथों में रखें, जो आज हम आजादी और उन सबको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रक्षा सिंह शंकराचार्य महाविद्यालय भिलाई के प्राचार्य के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया गया। डॉक्टर रक्षा सिंह जी ने भी बोला होगा, मैडम अरुणा पटला जी ने भी सारी बातें बताई, देवांगन जी ने भी, और वो विद्यार्थियों को सारी बातें यहाँ पर मैंने सुना भी और उन्होंने बड़े विस्तार। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन, साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन, साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन, साथियों।